गया, मैं लोगों को पैसे मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएचसी का पैसा लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीएचसी का पैसा लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गांव के लोगों को पैसा मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गांव के लोगों को पैसा मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर जगह त्राही माम मचा हुआ है, खास तौर पर गांव के अंदर पानी की इतनी दिक्कत है कि 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को पानी लाना पड़ रहा है। कहाँ है सरकार, कहाँ है इंतजामिया, कहाँ है वो लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे छाती पीट पीट कर कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं देंगे, कहाँ है वो नेता जो 6 दिन का वादा करते थे, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, बिजली नहीं, पानी नहीं है, खाने का इंतजाम तो किसी न किसी तरीके से लोग मांग कर उधार उठाकर चला रहे का। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो खाने का राशन भी दे रहे हैं, लेकिन पीने के पानी की इतनी समस्या है कि लोग जो है वो प्यासा मर रहे हैं और सरकार सुनने वाली नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इन सरकार से, कहां है आपके बड़े बड़े दावे, कोई सुनने वाला नहीं है। गांव के लोगों को प्यासा मारा जा रहा है जो पैंथर्स पार्टी बर्दाश्त करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। गांव के लोगों को 6-6, 8-8 किलोमीटर कहीं कहीं पैदल चल के जाना पड़ रहा है। किताबों के अंदर आपने पानी दे दिया है, हकीकत में कहीं पानी नहीं है। पाइपें लगी है तो टूटी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। जहां तक कि लोग अपने पैसे खर्चा करके, अपनी जेब से पैसा खर्चा करके जो है वो पानी खरीद रहे हैं, मूल दे अदा कर रहे हैं पानी का, प्राइवेट एजेंसी से पानी खरीदा जा रहा है। अक्सर लोग कहते थे कि जिस तरीके से इन्होंने टैक्स का टेररिज्म मचाया हुआ है मुल्क के अंदर, आने वाले वक्त में पानी जो है उस वो भी जो है वो खरीदना पड़ेगा और वो दिन इतनी जल्दी आ जाएंगे हमने कभी सोचा नहीं था। लोगों को जिस तरीके से आपने जिस तरीके से प्रताड़ित किया है उसका सिला आपको मिलेगा, और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले वक्त में लोग आप लोगों का मुंह काला करेंगे, क्योंकि आपने जितना बड़ा उनको दुख दिया है, तकलीफ दी है, उनके साथ जातियां की है, उनको प्रताड़ित किया है। आज बूंद बूंद के लिए पानी की मोहताज आप लोगों ने बना दिया है गांव के लोगों को और कस्बे के लोगों को भी हम देख रहे हैं। तो ये जो है आपको आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ेगा, ये हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं।